हिंट ये है कि शूज आज हम करवाने वाले हैं कुछ अलग साइज। भाई ने बताया कि ये जो कटोरा है ना इसे रहन देंगे और बाकी जो ये क्रोम का जो है इसे कर देंगे ब्लैक। अंदर से लगा दो और क्या ही लुक आएगा तुम्हारी जॉब में, बहुत तगड़ा लुक आएगा। शिमला भी जा सकते हैं अपनी गाड़ी को लेकर और वहीं सिस्टम हैंग करा जाएगा ब्लैक। क्या कहते हैं स्प्रे मारा जा रहा है। मैं नहीं, मैं 17 लगवा रहा हूँ। 17 चली की जाएगी, बोल नहीं ले भाई। ये देख लो कैसी लग रही है जलती हुई। और ये ऑरेंज इंडिकेटर जी। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। होप सारे बढ़िया ही होंगे। और चीतोस भाई आज हम करवाने वाले हैं कुछ अलग सही। तुमने सोचा भी नहीं होगा, मतलब हाँ तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज हम अलग सही करवा रहे हैं कुछ। वैसे तो मैं थंबनेल लेके पता ही चल रहा है, हम करा रहे हैं अपनी हेडलाइट्स, क्या कहते हैं, अंदर से ब्लैक ग्लॉस ब्लैक जो कि होगी स्प्रे मारी जाएगी। और क्या कहते हैं स्प्रे, या फिर देखो मैं ना जैसे हमने पीछे वाली टेल लाइट कराई है ना, देख रहे हो तुम, इस पे चढ़ी हुई है, प्रॉपर टेंटेड है ये पूरी फिल्म चढ़ी हुई है ब्लैक। इसे स्मोक भी नहीं कहेंगे, ये पूरी ब्लैक टेंटेड है ना। तो आगे वाली मैं ये नहीं करवाना चाह रहा हूँ बाहर से, मैं करवाना चाह रहा हूँ अंदर खोल के, अंदर से इस पर स्प्रे मारा जाए और पूरी काली कर जाए और क्या ही लुक आएगा तुम्हारी जान कसम, तगड़ी बन जाएगी है ना। तो अभी करवाने चल रहा हूँ मैं। और क्या कहते हैं निश्चरण वहाँ दोनों मेरा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे जल्दी आ। हाँ उनकी गाड़ी ना भाई डेंट पेंट होने गई है, वो भी बढ़िया होके आएगी और दोनों बढ़ाएंगे बढ़िया होके रील है ना। सीधो उस अब क्या है मक्खी लग रही है। तो रानी अपनी रेडी है, धुल धुलवा के मैंने रेडी वेडी कर दी थी, अंदर से भी साफ है। और मैंने तुम्हें बताया था भाई कि हम जा रहे हैं कहीं, वो तो तुम्हें पता ही चल गया कहाँ जा रहे हैं, मनाली। लेकिन वो तो अगले महीने जा रहे हैं ना। और जो इस बार की बात हुई है, जो अपने भाई का बर्थडे है ना उस लड़के का, तो हमारी बात हुई थी ऋषिकेश की, लेकिन भाई प्लान थोड़ा चेंज हो रहा है। ऋषिकेश नहीं जा सकते हम, कहीं और भी जा सकते हैं। अब वो हो सकता है पता क्या, शिमला भी जा सकते हैं अपनी गाड़ी को लेके और वहीं सिस्टम हैंग करा जाएगा और बहुत ही तगड़ा सीन में आया है ना। और ये एक तो बात हो गई, और दूसरी बात भाई मैंने तुम्हें दिया था ना हिंट कि नहीं, हिंट नहीं दिया अभी आज इस व्लॉग में दूंगा मैं हिंट कि भाई क्या करवाने वाला हूँ मैं अपनी गाड़ी में। तुम भी सोच रहे होगे भाई रशीद भाई तुम क्या करवाने वाला है ऐसा, कि भाई बहुत ही बड़ी चीज़ होगी वो, सही में बहुत बड़ी चीज़ है और अलग ही गाड़ी हो जाएगी अपनी बहुत तगड़ी। बस ये हिंट दे रहा हूँ, चलो आज हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंट ये है कि शूज अब तुम पता लगा लो है ना। तो और भाई इतना हिंट बाकी है, और ज़रा कमेंट करके बताओ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और अपनी सामने वाली हेडलाइट्स क्या कहते हैं करवाने चलते हैं, अंदर से ग्लॉस ब्लैक स्प्रे, ठीक है। वहाँ निश्चरों ने इंतजार कर रहे हैं, उठाता हूँ बटुआ और निकलते हैं चलो। और ये तो तुम्हारा भाई नीचे आ चुका है फाइनली। ये देखो अपनी रानी, यार एक चीज़ दिक्कत है इसमें, दिखाऊँ तुम्हें ये देख रहे हो तुम, आर पार दिख रहा है। फिल्म का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, एक और लेयर चढ़वानी पड़ेगी तुम दोनों। पता है तुम्हारा भाई ना 2-3 लेयर चढ़ा के चलाता था पहले, मगर अभी इस टाइम एक चढ़ी है। करते हैं वाइपर को नीचे और चल। यार मैंने ना गाड़ी के गेट खोल रखे हैं, ये वाले भी खोलूं क्योंकि आग बबूला हो रही है, सारी गाड़ी आग दे रही है एकदम, आग उगल रही है। और तुम्हें एक चीज़ बताऊं यार, आगे वाला टायर का ना क्या कहते हैं ये देख रहे हो, फक यार ये क्या हो गया। अरे मैं सोच रहा था इन टायर स्टिकर को ना चिपकाऊँ, ये पता हट गए थे, बहुत गुस्सा आया था जब मसूरी से आया था ना, तो मतलब ऑफ रोडिंग बहुत हुई थी उसमें, तो ये बीच में से ना हट गया था पूरा। तो मैं सोच रहा था एलवी लागे इसे चिपकाऊं दोबारा, लेकिन ये पता नहीं सड़ा, पता नहीं कहाँ हट के भाग गया, समझ नहीं आ रहा। पर कोई नहीं, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए जल्दी ही, ठीक है, इसकी कोई चिंता नहीं है, जल्दी ही नया सरप्राइज आएगा। बस तुम्हें हिंट तो दे दिया, जल्दी से पता कर लो क्या है, क्या चीज़ है वो, है ना। रानी को निकालते हैं बाहर, स्कूटी खड़ी करते हैं और ताकि कोई निकाल ना जाए, और चलते हैं जल्दी से करवाने अपना सिस्टम, ठीक है चलो। तो चीतोस भाई तुम्हारा भाई निकल चुका है, और क्या कहते हैं इसमें पेट्रोल भी भरवाना है, पेट्रोल इसमें बहुत कम है और रोकड़ा मैं लिया आया हूँ, क्या कहते हैं ज़्यादा पेट्रोल की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा सा भरवा लेंगे, क्या कहते हैं 200-300 का भरवा लेंगे, बहुत है। और वहीं जाना उन दोनों को लेके और फिर निकलते हैं, शायद क्या पता निश्चल भी चले, तरुण तो वैसे जाएगा ही। और भाई यार कसम से तुम्हारी जान कसम बढ़िया हो जाएगी गाड़ी, अगर सामने का वो ये लोग कैसे देख रहे हैं ये। चलो भाई पेट्रोल भरवाते हैं और निकलते हैं।
खुला बोतला के नी होल्ड अप कर दे फोन ठाके नी नशा बुरी चीज है कते ना। तो यहाँ पर पहुंचे थे निशु तरुण के पास और दोनों ये रहे तरुण और ये रहा निशु। और भाई क्या हाल है, बहुत दिनों बाद हैं, इतने दिनों बाद ना व्लॉग आ रहे ना कुछ। अब तो आएंगे, अब चिंता पढ़ाई में लग रहा है ये। आइए, पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई तो हो नहीं पाती यार, बस ऐसे ही कॉलेज आने जाना कुछ छोटा मोटा। अच्छा, और भाई इसकी भी गाड़ी गई हुई है डेंट पेंडिंग में, क्या क्या हो रहा है उसका? पूरी डेंट पेंड हाँ पूरी हो गई। और क्या क्या, लाइट नहीं आ रही है पीछे वाली, तेल लाइट, लाइट पीछे तेल नहीं आएंगे और फ्रंट वाला शीशा भी लगेगा, सारी चीजें रहेंगी, मतलब कि अब तब तो नहीं आगे आएगी बेटे, बम्पर में नया ले रहे हैं आगे का, तब चलाए बढ़ाएंगे रील। हाँ बस आंधे, बस मंडे आ, मंडे तक आ जाएगी ख्याल से, आज क्या है सैटरडे, मंडे तक आ जाएगी। चलो भाई तो बढ़िया है। और क्या कहते हैं अगले महीने का प्लान कुछ सोचा है? इस बार तो नहीं जा रहा ना तू? इस बार नहीं, अबे मैं तो कह रहा हूं साथ चलो, बाद इस बार इसका पेपर है, पांच खत्म होने, देखो आज क्या पड़ गई 20 तारीख पड़ गई, 15 दिन हो जाओ, साथ चल लेंगे दोनों गाड़ी, तब भी चल लेंगे ना। मेरे क्या इतना पैसा था, पैसा हम दोनों लगा कर रहे हैं, जिसका बर्थडे वो कर रहा है, हमारी तो गाड़ी है भाई, वो भरवा लेगा पेट्रोल वगैरह, हमारी गाड़ी उसका पैसा और उसका बर्थडे बन जाएगा बहुत तगड़ा, ठीक है। और बाकी सोचते हैं कि अगले महीने मनाली जाना है, मम्मी कह रही है मेरी, चलेंगे सारे चलेंगे, फैमिली चलेगी बढ़िया है ना। हाँ। पर हम किस में जाएंगे, अपनी गाड़ी में जाओगे? मैं तो कह रहा हूं नहीं गाड़ी, अब तो तुम्हारी गाड़ी सही हो गई। हाँ सही तो हो गई, सॉकर वोकर लग के हो एकदम बढ़िया, फिर क्या दिक्कत है, टायर से दिक्कत है गाड़ी में? हां टायर लेना पड़ेंगे बेटा, अब तो पता है स्मूथ चलती है, अगर राइड भी तू भी करा काम तेरी राइड भी स्मूथ रहेगी वो गाड़ी। अच्छा बस थोड़ा टायर की दिक्कत है, टायर की दिक्कत है, अभी हमारे 16 इंच है ना यार, 16 इंच की दिक्कत आती है। नहीं मैं 17 लगवा रहा हूँ, 17 चली तो जाएगी, लेकिन नहीं जाएगी। लो जी भाई तो सारे निकल चुके हैं, सारे भाई चारों, और क्या कहते हैं ये तो बढ़िया चीज है, शाम में कैमरा लग गया और अपना ब्लॉग बन रहा है थोड़ा। चलो बढ़िया और करवाते हैं, मीना मार्केट जा रहे हैं, क्या कहते हैं सियामपुरी, वहाँ पर सारी क्या क्या है, वहाँ पर सारी लाइटों की सारी दुकान है, तो हो बनेगा बढ़िया, हाँ शायद मिल जाएगी वहाँ पे, मतलब लाइट हो जाएगी पेंट, क्योंकि वहाँ बता रहे की जो लोकल मार्केट होगी ना पूरी वहीं पे है, सस्ते में काम, और सस्ते में तो बड़ी चीज है। तो भाई सारे जा रहे हैं और करवाते हैं तुम्हारा, ठीक है। चलो जी, तो भाई यहाँ पर अपनी रानी को ले आए हैं हम, और एक से बात हो गई है हमारी, 700 बता रहा भाई काली करवाने के, 700 मैंने कहा लूट ले तू हमें, 700 ले रहा, फिर कह रहा अच्छा मुझे लगा स्विफ्ट की कर, कह रहा कि मुझे लगा स्विफ्ट की करनी है, फिर बताया उसने 500, फिर हमने कहा थोड़ा और कम कर, फिर 400 पे आया, तो करवाते हैं 400, चलो कोई बात नहीं दे देंगे, ज्यादा भी महंगा नहीं है, कोई नहीं करवाते हैं, पीछे कर ले थोड़ी, पहले खुलेगी फिर काली होगी, क्या पहले खुलेगी फिर काली होगी, ये खोलेंगे ना, लाए हैं सिर्फ, चलो देख देख लो भाई तुम भी, चल 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 पूरी डिटेल में दिखा देंगे। और बस बस भाई अभी बोनट खोला जा रहा, भाई निकाल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भाई ने बताया कि ये जो कटोरा है ना इसे रहने देंगे, और बाकी जो ये क्रोम का जो है इसे कर देंगे ब्लैक, मैं कह रहा हूँ कि भाई पूरी कर देना, अब देखते हैं भाई क्या होता है, वैसे अच्छे लगे या फिर ऐसे अच्छे लगे, जैसे भाई कह रहे हैं ना पहले वैसे करवाते हैं फिर करवाएंगे, अगर अच्छी नहीं लगे तो पूरी करवा देंगे ब्लैक, जगह सही मिलेगी ना, है जगह सही मिलेगी ना, वरना पता नहीं कहाँ जाना पड़ता, अंदर आ गए वो फिगर वहाँ रोक फाल तो सारे सारे। हाँ भाई अभी निश्चल को सुना रहे हैं अभी रूट्स का रिस्पांस कैसा लगेगा, सही आ रही है, सही है अंदर में दब दब भी जाती है बाहर पता चलता है। हाँ सही है, सही यार मुझे बता कि क्रेटा वाला ज्यादा साउंड है। तो दोनों लाइट निकाल लिए उसने, देख रहे हो कैसी लग रही है गाड़ी, अजीब सी लग रही है, वो वहां ले गया लाइट और वहीं ऊपर करेगा ब्लैक, अब देखते हैं स्प्रे से करेगा या पता नहीं कैसे करेगा, देखते हैं, रहने नीचे पत्थर कैसी लग रही है। भाई तो यहाँ पर ले आए हैं दोनों लाइट, और क्या कहते हैं एक लाइट इसमें क्या कर रहे हैं हीट गन मार रहे हो भाई, क्या होगा इससे खुल जाएगी, गर्म होगी खुलेगी, अच्छा तो भाई इससे गर्म होकर खुलेगी फिर इसके बाद कर जाएगी काली, देखते हैं। पर भाई एक और चीज के साथ एक और काम हो गया, जो कि क्या कहते हैं अपनी करवा रहे हैं ना, क्या कहते हैं हेडलाइट ब्लैक करवा रहे हैं ना, उसके साथ एक और काम बढ़ रहा है, जो कि क्या बताऊं मेरे पास DRL लगी रखी है, कश्मीरी गेट से लाया था ना मैंने, तो बहुत सारी 3-4 DRL ले आया था मैं, ये खड़ी अपनी रानी अब गाना चला रहा है, और DRL निकाल रहा हूं और अंदर से लगवा रहा हूं मैं हेडलाइट के अंदर, क्या कहते हैं ये हुक्का पानी चल रहा
भाई मैं निकाल रहा हूँ DRL और लगवाते हैं। धूप में ही खड़ी कर रखी गाड़ी, नहीं छाए में लगा लेना, छाए में देख लो कहीं जगह। DRL ले जा रहा हूँ मैं, इसके साथ बहुत तड़ा काम बढ़ रहा है ना, तो करवाते हैं अंदर से, लगा रहा हूँ DRL और क्या ही लुक आएगा तुम्हारी जान का, बहुत तड़ा लुक आएगा भाई। तो भाई हो रही है अपनी फाइनली, क्या कहते हैं अंदर से हेडलाइट ब्लैक, क्या कहते हैं स्प्रे मारा जा रहा है और देखते हैं भाई क्या लगेगी। जहाँ से भाई कर रहा है ना, अब पहले तो वो करवा के देखते हैं, अब उतनी सही लगे या फिर ना लगे तो पूरी करवा लेंगे। अभी तो साइड साइड हो रही है, फिर होगी पूरी अगर ना लगे तो सही है ना। हाँ देखते हैं भैया भाई। तो देख रहे हो भाई दोनों लाइटें ब्लैक हो चुकी है अपनी स्प्रे से, और इसे सुखा भी दिए, यहाँ पर रख के सुखाई थी धूप पे रख के, तो 15 मिनट में मैक्सिमम सूख गई होगी। और अब लगाते हैं DRL जो कि ये रखी, दोनों लगा दोगे ना भाई, दूर तार नहीं दिखेंगे ना, हैं रात दिन का काम है भाई हमारा। हाँ तो भाई ये तो परफेक्ट ही है, चलो लगवाते हैं और तार वार नहीं ना दिखे, बस ये होना चाहिए। हाँ चलो भाई, तो भाई चेक कर रहे हैं लाइट सही है कि नहीं, दिखाना भाई जला के। ये हो गई भाई वाइट, एक येलो वाली भी तो होगी, येलो वाली जला, येलो इंडिकेटर। चलो भाई लगवाते हैं भाई। तो भाई लगा रहे हैं DRL और ऐसे डिजाइन में लगवा रहे हैं ताकि सही लगे, वरना पूरे चारों में लगेगी ना तो बेकार लगेगी। तो मैंने भाई को अभी डिजाइन बताया, तो भाई कह रहे हैं कट जाएगी, तो भाई काट के देखते हैं इसे। बस यहाँ तक, लो भाई तो भाई लाइट कट गई और उतनी पोर्शन में लगी जहां पर हम लगवाना चाह रहे थे। अब जला के देख लो भाई, कहीं खराब वराब ना होगी, खराब नहीं होगी। चलो सही है, सही लग रही है, अब जला के देखते हैं। ले भाई ये देख लो कैसी लग रही है जलती हुई, और ये ऑरेंज होगी इंडिकेटर, सही है देखिए। चलो भाई सारी लाइट काली हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है और DRL भी लग गई है। अब हो रही है क्या कह रहे हैं बफिंग करवा रहे हैं आखिरी में, ये देखो ये भाई देख लो बफिंग हो रही है ताकि थोड़ी साफ हो जाए, उससे बढ़िया ही है, साफ हो गई। अब लगवाते हैं लाइट, ठीक है भाई। दोनों हो चुकी हैं लाइट, क्या कहते हैं दोनों ब्लैक और DRL भी लग गई है। अब करवा रहे हैं लाइट इंस्टॉल जो कि लगती है, कनेक्शन वनेक्शन उड़ रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं DRL का भी लुक देखना है कैसा लगेगा, देखो भाई मुझे लग रहा है ऐसा ही लगेगा, देखते हैं। अब बाइक लाइट लगने देते हैं, ठीक है भाइयों। अभी वहाँ से तो काम खत्म हो गया था, अपनी लाइट वाइट लग चुकी है लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ DRL का, वो पता नहीं करना नहीं आता उसे, पता नहीं क्या कर रहा है। तो उसने लाइट वाइट सब लगा दिए, अब हम जावेद पे जाएंगे उससे करवाऊंगा कनेक्शन, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, AC भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं खराब हो गया, पता नहीं क्या करवाना पड़ेगा इसका AC। और हम ले रहे हैं बादाम शेक, कुछ ठंडक जाए अंदर, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जल रही है बाहर जलन हो रही है। मजा आ गया भाई, आइसक्रीम डाली है ना सब कुछ, 30 रुपए का ग्लास है देख रहे हो, 20 रुपए का जाना 30 रुपए में हो गया भाई। तो भाई फाइनली यहाँ पर आए थे, क्या कहते हैं दोपहर के बाद बहुत टाइम हो गया तुम्हारी जान कसम, और अब लेके आए अपनी रानी जावेद भाई के पास और करवाते हैं इसकी कनेक्शन DRL की। ये क्या देख रहे हो, ये आ जाएगी, तो ये ब्लैक करवा के लगवानी है हमें, ग्लॉस ब्लैक। कितने की दोगे? पुरानी है, पुरानी ना रखी हुई है, नहीं अरे हाँ सामने पुरानी बहुत दिनों से टंग रही है। तो भाई एक गड़बड़ होगी यार, कोई बहुत दिमाग खराब हो रहा बहुत ज्यादा, जो हमने अपनी हेडलाइट्स ब्लैक करवाई है ना उसमें हमने जो DRL इंस्टॉल करवाई है देख रहे हो, ये तो काम कर रही है पूरी, वाइट जल रही है येलो जल रही है, लेकिन वो काम नहीं कर रही, वो वाइट नहीं जल रही येलो जल रही है, ये दिक्कत आ रही है। अब यार क्या कहूँ, वो पता है हमने कटवाई है वरना पूरी आ रही थी, इसलिए कटवाई है ना इसलिए दिक्कत हो गई है। अब मैं क्या करूँगा इसे हटवा दूंगा, DRL की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी, है ना। तो और बाकी अपनी हेडलाइट्स ब्लैक करवाई ली है ना, और मैं ये चेक करवा रहा था साइड इंडिकेटर्स, ये पता जलने बंद हो गए थे तो इनका भी चेक करवा रहे हैं, तार वार इनके पता नहीं कहाँ कहाँ से ढीले हो गए, पता नहीं क्या जल नहीं रहे दोनों की तरफ,
तो इन्हें चालू करवाते हैं, ठीक है पहले। लो जी, तो भाई फाइनल अपना सारा काम हो गया, लाइट साइड वाली लाइट्स भी जल गई हैं और अब निकलते हैं, ठीक है। चलो इन दोनों को छोड़ते हैं घर। कान टूटे बंदे अब मित्रा की गे, जिंदगी तर मौत के बिछाड़े खेलोगे, चौन चाका करे बैठी है तबार तू, मैं परत के देखे है दिला मनी पे, तेरे कोले जिक बार खड़ी मित्रा की था, मिनट ला चार देख आजा बिलोबा, काम रह घुमा दो तने खेत रह दिखा दो, ट्यूबला पर आजा तने पानी रह दिया, थकने ते ऊंचा जो सा सूट हो तेरा छोरी रे वो सूट भी सिमा दू मेरी जान के सारे बिलो सारे दर्जी। हाँ जी, तो क्या चल रहा सिस्टम, सब सही हो कि नहीं? तगड़े रहने चाहिए, ठीक है। मैं कल वहां से आ गया था और हेडलाइट ग्लॉस ब्लैक हो गई है, जो कि बहुत तगड़ी लग रही है, देखा तुमने। बस यार एक टेंशन है, बस डीआरएल नहीं जल रही, लेकिन यार उसके बिना भी बहुत तगड़ी लग रही है सच में। उसके लगा के ना थोड़ी लाइट थोड़ी टेढ़ी सी जा रही थी, लेकिन फिर भी अब बहुत सही लग रही है। अब तो तुम्हारा भाई ऐसी करवाने लग गया ना गाड़ी, वैगनार किसी ने करवाई नहीं होगी ऐसी, ऐसे तुम्हारे भाई बनाता जा रहा है वैगनार को, है ना। और तुम्हें एक और दो और चीज़ें बतानी है, है ना, दो तीन चीज़ें और बतानी है तुम्हें। यार गर्मी बहुत पड़ रही, देखो तुम भौंका तो छा रहा है। दो तीन चीज़ें और बतानी है, वो है ये कि तुम्हें पता है मतलब मैंने तुम्हें आज दे दिया हिंट, ठीक है, और उससे तुम शायद तुम्हें पता लग जाएगा, है ना, क्या करवाने वाला हूँ मैं। पता है तुम्हें कमेंट में तुम फैला दो कि हाँ भाई ये करवाने वाले हो ये, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है, पढ़ता सबके कमेंट हूँ, वरना सबको शक हो जाएगा कि हाँ भाई यही करवाने वाले हो, ठीक है। कमेंट में रिप्लाई नहीं दूंगा, सब पढ़ लेना, और सबके पढ़ता हूँ मैं कमेंट, और जो जो बार बार कमेंट करता ना मेरे दिमाग में रहता है, हाँ भाई ये बंदा कमेंट कर रहा, हाँ ये अब मज़ा आ रहा है ना। तो और करवाते हैं सिस्टम हैंग अगले ब्लॉग में, देखो क्या होता है। और बाकी जल्दी निकल रहे हैं उस भाई का बर्थडे मनाने के लिए, ऋषिकेश या फिर शिमला, पता नहीं कहाँ जाते हैं, ठीक है। अब देखो तुम, और अपनी गाड़ी को ले जाएंगे, मौज काटेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।